नीम राणा में एक सप्ताह पहले डंपर चालक की हत्या मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक के जानकार ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल मृतक सूबे सिंह डंपर चालक था। आरोपियों ने उससे डंपर लूट की योजना बनाई और उसे हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में सूबे सिंह को बुलाया। आरोपियों ने पहले उसे शराब पिलाई, फिर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए नीम राणा की बावड़ी में उसे पटक गए थे। इस वारदात का खुलासा करते हुए डीएसपी नीमराना लोकेश मीणा ने बताया कि 6 दिसंबर को नीमराना की बावड़ी में एक युवक की लाश मिली थी, जिस पर शिनाख्ते में उसकी पहचान सूबे सिंह निवासी सोहनपुरा पाटन के रूप में हुई। एसपी राम मूर्ति जोशी ने विशेष टीम का गठन किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जानकारियां जुटाई गई। सूबे सिंह हरियाणा के अकोदा से रेवाड़ी डंपर चलाता था। कॉल डिटेल्स व सूत्रों के हवाले से आखिर पुलिस आरोपियों तक पहुंची और उसके दो जानकार अरविंद और प्रमोद उर्फ मच्छा से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने वारदात करना कबूल कर लिया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मृतक सूबे सिंह से डंपर लूटकर बेचने को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मृतक सूबे सिंह को शराब पार्टी के बहाने कनीना बुलाया और शराब पिलाकर डंपर गायब करने की नीयत से उसकी गला घोटकर हत्या कर दी थी। किसी को नीम राणा की बावड़ी पटककर फरार हो गए थे। इमराना में ऐतिहासिक जो बावड़ी है उसमें कोई लाश पड़ी हुई है। मौके पर थानाधिकारी और मैंने जाके देखा, उसका आसपास एरिए का निरीक्षण किया तो वहाँ पे एक हमें पर्स मिला। उसके आधार पर मृतक की पहचान हुई। मृतक सूबे सिंह निवासी सोहनपुरा थाना पाटन का था। उसके बाद में हमने उसके बारे में तफ्तीश करी, जिसमें पता चला कि यह मृतक हरियाणा में अकोदा से रेवाड़ी के लिए डंपर चलाता था, जो कि लास्ट रात 5 तारीख की रात को 11 बजे देखा गया था डंपर खाली करके। उसके बाद में उसकी कोई सूचना नहीं। हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तकनीकी विश्लेषण किया, सीसीटीवी वगैरह को खंगाला। काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद श्रीमान आईजी साहब और एसपी साहब के निर्देशन में टीम बनाई गई। टीम में विनोद कुमार सांवरिया जी, इंस्पेक्टर पीएसपी इंचार्ज भिवाड़ी, एक टीम हमारे थानाधिकारी नीमराना के नेतृत्व में बनाई गई और लगातार आईजी साहब एसपी साहब के निरीक्षण में निर्देशन में हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।